क्वेश्चन है मेडिसिन 15 गोली का 45 रुपए, तो एक गोली का दाम कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग मेडिसिन का दाम निकालना सीखेंगे। अक्सर हम जाते हैं दवा की दुकान पर, मेडिसिन के दुकान पर, और वहाँ पर क्या होता है, हमें स्ट्रिप मिलती है, पूरी पूरे टैबलेट की एक स्ट्रिप मिलती है। किसी में 10 गोली होते हैं, तो किसी में 15, तो किसी में 20, तो किसी में 25, और वहाँ पर हमें एक गोली का दाम निकालना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एक गोली का दाम निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ कैलकुलेटर ट्रिक भी सीखेंगे कि उसकी कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगी। मोबाइल में अगर हम कैलकुलेटर में क्या एंट्री करें कि हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, देखिए जो एक पत्ता होता है जिसको कि स्ट्रिप कहा जाता है, वो कितने गोली का है, 15 गोली का। तो यहाँ पर 15 गोली है और हमें कितने में मिल रहा है, हमें मिल रहा है ये 45 रुपए में। कितने में मिल रहा है, 45 रुपए में। अब देखिए यहाँ पर हमको एक गोली का दाम निकालना है। कितने गोली का दाम निकालना है, एक गोली का दाम निकालना है। तो आप अपने दिमाग में बना कर रखिए कि जितने भी गोली है उस पत्ते में, आपके जो टैबलेट का पत्ता आप ले रहे हैं उसमें जितने भी गोली है, आपको हमेशा क्या करना है, उतने से ही डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड को हम लोग बटा भी लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम 15 से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 15 से डिवाइड कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 15 से 15 कट जा रहा है एक बार में, और यहाँ पर 15 तिया 45। यहाँ पर जो एक गोली आ रहा है वो कितने का आ रहा है, एक गोली आ रहा है 3 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 3 रुपए का। तो एक गोली होंगे कितने के होंगे, 3 रुपए के होंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से दाम हमारा निकल गया। अगर हम यहाँ पर बात करें कैलकुलेटर एंट्री की, कि कैलकुलेटर एंट्री क्या होने वाली है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर ट्रिक के लिए आपको क्या एंटर करना है कि आपको एक गोली का दाम मिल जाए। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ करना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रुपए एंटर करने होंगे, जितना एमआरपी या प्राइस होगा। के बाद यानी कि यहाँ पर जो भी दाम में आपको दिया जा रहा है, आपको वो दाम एंटर करना है। कभी कभी क्या होता है कि एमआरपी कुछ रहता है, थोड़े कम में ही मिल जाता है, तो वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइड का चिन्ह लगाना है। अब इसके बाद जितने भी गोली है, तो देखिए जैसे कि हमारे इस पत्ते में 15 गोली की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम जितना भी गोली होगा, गोली की संख्या यानी जितने भी एक पत्ते में गोली की संख्या, ठीक है। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे, फटाफट से आपको एक गोली का दाम मिल जाएगा। तो आइए अपने इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है एक गोली का दाम, एक गोली का प्राइस। तो हमारी एंट्री क्या होने वाली है, सबसे पहले हम रुपए एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 45 हम लोगों ने कैलकुलेटर में एंटर कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, और डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर 15 गोली है, तो यहाँ हम 15 एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है यहाँ पर 3, और ये 3 क्या है, ये 3 रुपए हैं जो दाम आप यहाँ पर निकालना चाह रहे थे। यही हमारे एक गोली का क्या है, प्राइस है। आइए दोस्तों इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इस पर हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप दवा लेने जाते हैं, और इस बार आपका जो 20 गोली का पत्ता है, तो 20 गोली की स्ट्रिप, इसको स्ट्रिप बोलते हैं, 20 गोली की स्ट्रिप यानी कि 20 गोली का जो पत्ता है वो कितने में मिलता है। मान लेते हैं कि वो मिलता है आपको 65 रुपीज़ का।
कितने का मिलता है 65, 20 गोली की स्ट्रिप यानी कि पत्ता 65 रुपीज़ का आपको मिलता है और आपको एक गोली का दाम निकालना है। तो एक गोली का दाम आप ऐसे भी दिमाग लगाना चाहते हैं कि कैसे निकालें और आपको कैलकुलेटर से भी करना सीखना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्या करना होगा, देखिए 20 गोली का पत्ता है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 65 रुपये। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर 20 गोली जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं कितने के, यहाँ पर मिल रहे हैं 65 रुपये के। तो हमें निकालना है एक गोली, तो यहाँ पर हमें दोनों ही साइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक लाने के लिए यहाँ पर भी हम 20 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 20 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का मतलब बटा होता है, देखिए ये कट करके यहाँ पर एक आ जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जगह खाली हम लोग भाग कर लेते हैं, 65 में 20 से हमको डिवाइड करना है, 20 तियाँ हो गए 60, यहाँ बचे 5। अब देखिए यहाँ पर कोई अंक उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ लिखने के लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे, 20 दूनी हो जाएंगे 40, यहाँ पर बचेंगे 10। अब दशमलव लगा चुके हैं तो हम यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, 20 × 5 = 100। तो देखिए ये पूरे पूरे हमारे कट गए, कितना आ रहा है 3.25, और 3.25 ये हमारा रुपये आ रहा है, मतलब कि 3 रुपये और 25 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्राइस एक गोली का आ चुका है, अगर 20 गोली हमें 65 रुपये में मिल रही है तब। अब यही अगर हम कैलकुलेटर ट्रिक की बात करें कि कैलकुलेटर ट्रिक में क्या एंटर करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आएगा, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि एक गोली का दाम निकालना है, अगर हमें एक गोली का अगर हमें प्राइस निकालना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसका जो भी MRP या जितने में हमें मिल रहा है वो हम लोगों ने एंटर कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 20 गोली की स्ट्रिप है तो यहाँ पर हम जैसे ही 20 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, 3.25, और ये होंगे रुपए, जिसमें कि आगे का रुपए होगा और पीछे का पैसे होगा, क्योंकि दशमलव में अगर कोई भी संख्या होती है तो रुपए पैसे में हम दो अंक तक ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो अंक आया भी है, तो पीछे का पैसे हो गया और आगे का रुपए। एक क्वेश्चन हम वैसा भी कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम कुछ अटपटा सा ले रहे हैं। चलिए मान लीजिए 25 गोली है और ये 25 गोली जो है ये 25 गोली कितने की है, इसको हम क्वेश्चन के रूप में नहीं डायरेक्ट ही करते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन में 25 गोली है। तो देखिए यहाँ पर 25 गोली 103 रुपये 37 पैसे का है और यहाँ पर हमें एक गोली का दाम चाहिए, एक गोली की प्राइस चाहिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप समझिए कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक गोली का दाम हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर एंट्री करके हम लोग देख ले रहे हैं, तो एक गोली की प्राइस जो आएगी वो कितनी आएगी, एक गोली का जो दाम होगा कितना आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम 103 ले लेते हैं, इसके बाद हम डिवाइड लगाएंगे। अब यहाँ पर 25 गोली का पत्ता है तो जैसे ही हम यहाँ 25 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4.12। दोस्तों अगर आपको कोई विषम संख्या वाला अगर स्ट्रिप या पत्ता अगर पता हो तो उसके बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी ला दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट के किसी और क्वेश्चन के साथ।